इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, अपना अलग व्यक्ति महत्व होता है और इसी व्यक्ति महत्व के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है। इसी तरह हमारे सभी भगवान भी अलग अलग रूपों में और स्वरूपों में दिखते हैं। तो आइए हम भगवान के ऐसे ही कई स्वरूपों को करीब से जानेंगे हमारे नए कार्यक्रम देव स्वरूप में। मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु इन मूर्तियों की स्थापना का अर्थ क्या है, इनके अनेक स्वरूप क्यों हैं, उनका रंग रूप भाव अलग क्यों हैं? इन सारे सवालों में मानव हित के मार्ग छुपे हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति केवल देव प्रतिमा ही नहीं होती, इन मूर्तियों के पीछे कुछ असाधारण आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हमारे संग जानिए देव स्वरूपों की कई मान्यताओं और देवों की रोचक कथाओं के बारे में। तो आइए मुरलीधर, मोहन, केशव यानी भगवान कृष्ण के स्वरूप को और भी करीब से जानेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम। अर्थात आपके होंठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के इश हैं श्री कृष्णा, आपका सब कुछ मधुर है। जिनका व्यक्तित्व ही इतना मधुर है तो इनकी पूजा करने वाले भक्तों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। भगवान कृष्ण श्री विष्णु के दशावतारों में आठवां अवतार हैं। ये दशावतारों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अवतार भी माने जाते हैं। कृष्ण अवतार का प्रमुख उद्देश्य था कंस वध और पूरे विश्व को गीता का ज्ञान देना। सारा संसार उनको कई नामों से पुकारता है, जैसे कि देव की वासुदेव नंदन, नंद यशोदा के लाल, बलराम के भ्राता, राधा के बाल सखा, गोप गोपियों के चितचोर, गायों के ग्वाले, गोकुल रक्षक गिरिधर, सुदामा के गुरु बंधु, रुक्मिणी के स्वामी, अर्जुन के सारथी विराट स्वरूप, और इनकी कई रूपों में पूजा की जाती है, जैसे कि श्रीनाथ द्वार उदयपुर, द्वारकाधीश गुजरात, जगन्नाथपुरी पुरी, विठोबा पंढरपुर, खत्तू वाले श्याम जी राजस्थान आदि। भगवान कृष्ण के नाम से लेकर उनकी प्रतिमा तक मानव कल्याण का संदेश देती हैं। उनके नाम और रूप के अतिरिक्त उनकी वेशभूषा और पहनाव के पीछे मानव हित के कई राज छुपे हैं, और हम यही छुपे हुए सारे राज आज खोलने की कोशिश करेंगे। मोर पंख। मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और ये उनके
मंत्र के बारे में, जो कि इस प्रकार है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को अत्यंत चमत्कारी मंत्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका प्रतिदिन 108 माला जाप किया जा सकता है। माला जपते समय चेहरे को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहलाती हैं। इस बीज मंत्र जाप से कहीं भी फंसा हुआ धन मिल सकता है, उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। दरिद्रता या गरीबी में श्री कृष्ण की पूजा से आर्थिक स्थिति में सुधार आ पाता है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण को विजय प्राप्त करवाने का देवता भी कहा जाता है। उनके सप्त दशाक्षर महामंत्र को विजय प्राप्ति के लिए साधा जाता है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को अपने 9 माह के समय काल में संतान के जन्म तक और उसके बाद में भी बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। सभी माता और पिता ये मनोकामना करते हैं कि ऐसा करने से शिशु भगवान कृष्ण की तरह गुणवान और मनमोहक पैदा हो। जिस विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर विद्या का अभ्यास करते समय कठिनाई आती है, उन्हें कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है। यदि संपत्ति ना बन पाती हो या व्यापार स्थिर ना हो, तो भी श्री कृष्ण की पूजा और बीज मंत्र का जाप अत्यंत शुभकारी माना गया है। भगवान की मूर्ति के प्रतीकों द्वारा बताई गई बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, तो अवश्य ही हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है।